दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी होता है कि आप किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करते रहते हैं और अचानक से आप स्टक हो जाते हैं, आपका फ्लो टूट जाता है, या हम उस टॉपिक के बारे में आगे क्या बोलना है वो भूल जाते हैं, या हमारे को फोकस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या मेमोरी की हमारी पावर कम हो रही है, याद रखने में दिक्कत हो रही है। अगर आप भी ऐसी कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आज मैं आपको एक ब्रेन टॉनिक के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता शुक्ला डिवाइन हेल्थ पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ, जहाँ हम बात करते हैं सेहत और बचाव के उन छोटे छोटे माध्यमों की। और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अपने ब्रेन के हेल्थ के बारे में, कैसे हम ब्रेन के फोकस को बढ़ा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे मशरूम के बारे में जानकारी शेयर करने जा रही हूँ जो हमारी ब्रेन का टॉनिक कहा जाता है, और वो ब्रेन टॉनिक है लाइनस माने मशरूम। ये एक मशरूम कैटेगरी में होता है और ये मशरूम आजकल सुर्खियों में अपनी जगह बना रहा है, जिसे हेजहॉग मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ा सफेद झबरा यानी कि शैगी टाइप का मशरूम होता है जो पूर्ण विकसित शेर के अयाल जैसा दिखता है। लाइनस माने मशरूम अभी तक अमेरिका, यूरोप और एशिया के जंगलों में पाया जाता था। इसका वैज्ञानिक नाम हेरेकियम एरिनेसियस है। यह एक खाद्य कवक है। चीनी और जापानी चिकित्सा प्रणालियों में ये सालों से ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता रहा है। इसका उपयोग मेनली गट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए किया जाता है। यूरोप और अमेरिका में लाइनस माने को जनरली खाने में यूज करते हैं। इसको डायरेक्टली खाते हैं या फिर सैंडविच, सूप या अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में, एज अ फूड सप्लीमेंट के रूप में डेली यूज करते हैं। इस मशरूम के दो भाग होते हैं। ऊपर का जो झबरा शैगी, जो व्हाइट कलर का शेर के चेहरे जैसा दिखता है, वो फल वाला भाग होता है, और मशरूम का जड़ वाला हिस्सा माइसीलियम कहलाता है। इसमें कई सक्रिय तत्व जैसे कि पॉलीसेकेराइड, एनिसोनिन, हेरिसेरिन, स्टेरॉइड, एल्कनाइन और लेक्टॉन शामिल है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी एजेंट और तंत्रिका विकास कारक भी मौजूद होते हैं। यह मशरूम एक न्यूरोट्रॉपिक मशरूम की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि एक मशरूम डायरेक्टली हमारे ब्रेन के ऊपर काम करता है। इसमें पाए जाने वाले एक्टिव तत्व तो शरीर को फ्री रेडिकल और सूजन से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं, और तंत्रिका कोशिका यानी कि हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उनको डेवलप करते हैं और रिजेनरेशन को बढ़ावा देते हैं। जैसे गैनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब है, वैसे ही लाइनस माने मशरूम को किंग ऑफ नर्व भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे नर्व के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे स्मार्ट मशरूम भी कहते हैं क्योंकि यह हमारे ब्रेन की पावर को इम्प्रूव करता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है और हमारे वर्क को स्मार्टली कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है। चाइनीज मेडिसिन में ब्रेन हेल्थ और गट हेल्थ के लिए तो यूज होता ही है, साथ ही मॉन्क और मेडिटेशन करने वाले लोग इसे कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो इसके इन्हीं खास प्रॉपर्टीज और बेनिफिट को देखते हुए डीएक्सएन कंपनी ने लाइनस मशरूम पर रिसर्च करके हम सभी के लिए एज अ फूड सप्लीमेंट इसे लाया है। तो आइए जानते हैं कि डीएक्सएन लाइनस माने मशरूम अगर हम यूज करते हैं तो हमारी वह ब्रेन की हेल्थ को किस किस तरह से इम्प्रूव करता है। यह मशरूम मस्तिष्क की कार्य क्षमता में सुधार करता है क्योंकि इसमें रिजेनरेटिव कैपेबिलिटी अधिक होती है। इसमें कुछ ऐसे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो नर्व सेल्स की रिकवरी बहुत जल्दी करते हैं। इसमें हेरिकेनोन और एरिनासिन नामक दो कंपाउंड होते हैं जो ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को उत्तेजित कर देते हैं। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक यह लाइनस माने मशरूम एनजीएफ यानी कि नर्व जनरेशन फैक्टर प्रोटीन को उत्तेजित करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यह तंत्रिका विकास कारक जो होता है वो प्रोटीन को उत्तेजित करता है, यानी कि यह हमारी ब्रेन हेल्थ और न्यूरॉन्स फंक्शन के लिए नर्व्स ग्रोथ फैक्टर बहुत ही आवश्यक होता है, जो इस मशरूम के द्वारा हमारे ब्रेन को आसानी से मिलता है। साथ ही स्ट्रेस, डिप्रेशन एवं अल्जाइमर, पार्किंसन आदि बीमारी की कंडीशन में नर्व्स इंजरी होने पर यह नर्व्स को हील करने का काम करता है और उसे हेल्दी रखता है। यह न्यूरॉन्स की ग्रोथ व डेवलपमेंट में मदद करता है, साथ ही न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन को बनाए रखता है। जब न्यूरॉन्स के ऊपर की माइलिन शीथ यानी कि जो कवरिंग होती है वो वीक होने लगती है या डीजेनरेट होने लगती है तो यह सेल्स को प्रोटेक्शन देता है और डीजेनरेशन को रोकता है। साथ ही न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करता है,
तो ये ब्रेन हेल्थ के साथ साथ इंसोमनिया, सिजोफ्रेनिया व याददाश्त संबंधी बीमारियों के जो लक्षण होते हैं उनको कम करने के लिए लायंस माने मशरूम को हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। मानसिक तनाव व चिंता को कम करता है, यानी कि यह साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में भी बहुत यूजफुल होता है। यह लायंस माने मशरूम बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली मेंटल क्लैरिटी को इन्हेंस करता है, फोकस को बढ़ाता है और एंजाइटी व डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। दोस्तों, हमने देखा है कि वर्क और लाइफ साइकिल को बैलेंस करने में आजकल लोगों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन व स्ट्रेस होने लग जाता है, जिसके कारण उनका ब्रेन थक जाता है या स्टक हो जाता है, जिससे हम कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। कभी कभी तो फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी दिमाग इतना थक जाता है कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम लायंस माने मशरूम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहेगा और एक्टिव रहेगा। इसके साथ ही बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस व प्रेशर होता है तो यह मशरूम माइंड को शांत रखने में, फोकस बढ़ाने में, मेमोरी को शार्प करने में बच्चों के लिए भी काफी मदद करता है। दोस्तों, लायंस माने मशरूम में न्यूरोट्रॉपिक गुण भी होता है, यानी कि ब्रेन में कभी कभी अगर सूजन हो जाता है या इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। जैसे अगर माइग्रेन या हेडेक की कंडीशन में ब्रेन सेल्स में इन्फ्लामेशन होने के कारण ये प्रॉब्लम हमें होने लगती है, तो ये लायंस माने मशरूम को यूज करने से इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही हमारे ब्रेन की एजिंग प्रोसेस को भी रोकने के लिए, ब्रेन सेल्स की डेथ को रोकने के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। तो हमारे ब्रेन की एक पावर होती है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन के फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है। तो इस लायंस माने मशरूम में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हांस करता है, यानी कि हमारे ब्रेन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। डीएक्सएन लायंस माने मशरूम ट्रेडिशनली रूप से कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में भी यूज होता रहा है। स्पेशली यह गट हेल्थ में यूज होता है, क्योंकि जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है तब इस कंडीशन को ये बैलेंस करने में काफी मदद करता है। और इसे बैलेंस करने के लिए हमें डाइट को बदलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब हमें बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है तो हमें अपनी डाइट में बदलाव लाना जरूरी होता है। और इस डाइट को बदलाव के लाने के साथ साथ ही हमारा डाइजेशन का सही होना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मशरूम हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और साथ ही ये हमारे आंतों के अल्सर को ठीक करने में भी मदद करता है। यह एच पायलोरी बैक्टीरिया जो कि पेट के अल्सर के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन बैक्टीरिया आंतों की परत में एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो इस बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए यह लायंस माने मशरूम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी गट हेल्थ को भी मजबूत करता है और अल्सर से प्रोटेक्ट करता है। लायंस माने एक मशरूम होने के कारण ये हमारी इम्यूनिटी पर भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें विटामिन डी, विटामिन B5, पोटेशियम, कॉपर सहित फाइबर और मिनरल्स, इसके साथ ही पॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं, जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए WBC के काउंट को ग्रोथ करते हैं और नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और इसके कारण ही हमारी इम्यूनिटी को भी ये मजबूत करते हैं। डीएक्सएन का लायंस माने मशरूम हमारी कॉग्निटिव स्किल को भी इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन ब्रेन की वो एबिलिटी है जिसमें हम जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं उसको याद रख पाना, विचार करना, तर्क चिंतन करना या डिसीजन लेने की ताकत होना, ये सभी उसके अंतर्गत आता है। जो भी हम सीख रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको याद रख पाना, इसके लिए हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। यह मेमोरी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हिप्पोकैम्पस की हेल्थ मेंटेन करने के लिए लायंस माने मशरूम का उपयोग काफी फायदेमंद होता है। अगर कॉग्निटिव फंक्शन कम होने लगते हैं तो कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि कन्वर्सेशन का फ्लो टूट जाना, बात करते करते बीच में भूल जाना, डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लेना, फोकस नहीं हो पाना, कंसंट्रेशन पावर कमजोर हो जाना, याददाश्त कमजोर हो जाना, भूल जाना, तो ये कुछ लक्षण है जो हमें दिखते हैं। तो अगर हम लायंस माने मशरूम को यूज करते हैं तो ये हमारे ग्रोथ कोन या मेमोरी सेंटर के आकार को बढ़ाता है, उसकी सेल्स को डिजेनरेट होने से रोकता है और हेल्थ को मेंटेन करता है और हमारी कॉग्निटिव स्किल को तेज करता है। दोस्तों, अगर मैं डीएक्सएन लायंस माने मशरूम के फायदों को समराइज करूं तो ये हमारे ब्रेन के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है।
हमारी ब्रेन हेल्थ को मजबूत करता है, ये हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाता है, साथ ही ये मशरूम हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। नर्व टॉनिक होने के कारण ही हमारी नर्व्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, अल्जाइमर आदि ब्रेन संबंधित बीमारियों में भी अच्छे रिजल्ट देता है, हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखता है और अल्सर से प्रिवेंट करता है, नर्व्स की सूजन या इन्फ्लामेशन को कम करता है और नर्व्स के डिजेनरेशन को रोकता है। इसके साथ ही ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, साथ ही हार्ट, लीवर, किडनी को भी हेल्दी रखता है। तो दोस्तों आपने ये जाना कि डीएक्सन लायंस माने मशरूम हमारे ब्रेन के लिए कितना हेल्पफुल है। इसको यूज करते हैं तो ये हमारे ब्रेन के लिए काफी फायदेमंद होता है, खास करके बच्चों के लिए जिन्हें आजकल पढ़ाई में इतना स्ट्रेस होता है कि बच्चा कितना ही पढ़ता है कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है, फोकस हट जाता है और स्ट्रेस की वजह से जब वो एग्जाम देने जाता है तो कहीं ना कहीं वो भूल जाता है। तो अगर हम लायंस माने मशरूम स्पेशली स्टूडेंट्स को यूज करवाते हैं तो उनका ब्रेन जो है वो बहुत शार्प होगा और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ ही हर एज के लोगों को, खास करके जो ब्रेन रिलेटेड काम करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। और बुजुर्ग जिन्हें धीरे धीरे उम्र के साथ साथ डिजेनरेशन जब होता है सेल्स में तो मेमोरी की प्रॉब्लम होने लगती है और वो चीजों को भूलने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर हम ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो हमें लायंस माने मशरूम यूज करने की सलाह जरूर देनी चाहिए। तो यह था लायंस माने मशरूम, जो हमारे ब्रेन का बहुत ही अच्छा साथी हो सकता है। और आज के समय में हम अपने ब्रेन को जितना हेल्दी रखेंगे, जितना तेज रखेंगे, जितनी उसकी ग्रोथ और उसके न्यूट्रिशन पर ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा हम अपनी लाइफ में परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर अपने लाइफ में अपने परफॉर्मेंस को, अपने ब्रेन को इम्प्रूव करना है, हेल्दी रखना है, तो लायंस माने मशरूम को एक बार इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों आप इस लायंस माने मशरूम के फायदों को अपने रिश्तेदार, दोस्तों, प्रियजनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस लायंस माने मशरूम के फायदों को जान सके और इसके फायदे ले सके। मिलते हैं एक नए हेल्दी प्रोडक्ट के साथ, तब तक यूं ही स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।